वसीकरण स्पेशलिस्ट भक्ति कवच यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माँ बगलामुखी तत्काल असली वशीकरण मंत्र और विधि बताऊंगा। इस वशीकरण को करके आप किसी भी स्त्री को, पुरुष को, पुराने से पुराने दुश्मन को, पुराने से पुराने खोए प्यार को चंद मिनटों में, 24 से 48 घंटे के अंदर में आप उसे अपने काबू में, अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, अपना दीवाना बना सकते हैं, उसे तत्काल अपनी याद दिला सकते हैं। और ऐसा हो जाएगा कि वो सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो आपसे बात किए बगैर, आपसे मिले बगैर बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा या रह नहीं पाएगी। बस मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्रिया से, इस वीडियो के माध्यम से, इस तंत्र के जरिए बहुतों ने अपना प्यार पाया है। ये जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये आजमाया हुआ है, इसे बहुत लोगों का काम बना है। आने वाले दूसरे वीडियो में उनका फीडबैक जरूर मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव फीडबैक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं इसकी पूरी विधि। मित्रों, यदि आप किसी को सच्चे मन से प्यार करते हैं, उससे अगर आपकी बात नहीं होती, लड़ाई हो गया, ब्रेकअप हो गया, पति पत्नी के बीच में अनबन हो रही है, तो आप ये तत्काल माँ बगलामुखी वशीकरण को करके आप अपने पार्टनर को अपने मुट्ठी में, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवा करके आपको पूरी विधि बताता हूँ। इस वशीकरण को आप जिस दिन करेंगे, उस दिन मांस मछली मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, लहसुन प्याज खा सकते हैं। इस वशीकरण को आप मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन, अमावस्या या पूर्णिमा या एकादशी के दिन संध्या के समय करें। संध्या 6 से रात 9 के बीच में एकांत कमरे में बैठें, चाहे खाली जगह बैठें, चाहे पीपल के वृक्ष के पास बैठें, और एक घी का दीपक या सरसों तेल का दीपक जलाएं। और आप अपने दाएं हाथ में, यदि आप महिला हैं, बहन हैं, तो आप अपने बाएं हाथ में एक हल्दी रखें। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने दाएं हाथ में एक पीले रंग का हल्दी, गोटा हल्दी, इस प्रकार से रखें। और आप जिसे भी चाहते हैं, जिसे भी पाना चाहते हैं, जिसे भी आप अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, उसे मन से याद करें। लेकिन ध्यान रहे, पीले रंग का कपड़ा आपको पहनना है। अगर आपको पीला कपड़ा नहीं है आपके पास, तो पीला रंग का रुमाल या धागा अपने हाथ में बांधें। पीला रंग का अगर कपड़ा है तो ठीक है, उसमें कोई डिजाइन भी रहे तो चलेगा, लेकिन पीला होना चाहिए। तो पीले रंग का वस्त्र ज़रूर धारण करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पलथी मार के आराम से बैठें और एक आसन बिछा लीजिए। पीला रंग का अगर आसन है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आप अपने पार्टनर को याद करें, मन से याद करें, उसका फोटो देखें, और इस प्रचंड माँ बगलामुखी तत्काल वशीकरण मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ 108 बार करें। अब मैं आपके सामने मंत्र रखने जा रहा हूँ। मंत्र अब आपके सामने ये रहा। ओम ह्रीम 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 माँ बगलामुखी देव्य ह्रीम अमुक वश करी देही देही ओम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से। ओम ह्रीम 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 माँ बगलामुखी देवी ह्रीम अमुक वश करी देही देही ओम फट स्वाहा। इस महाशक्तिशाली तत्काल माँ बगलामुखी वशीकरण मंत्र में जहाँ पर अमुक शब्द है, वहाँ पर आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं या चाहती हैं, उसका नाम लीजिए। और 108 बार मंत्र पढ़ने के बाद उस हल्दी के गांठ को, यानी हल्दी को, अपने माथे से 11 बार घुमाएं, क्लॉक वाइज 11 बार घुमाएं। उसके बाद हल्दी के ऊपर में 5 बार हल्की से फूंक मारें। अब उसी समय वहाँ से आपको उठना है और बाहर जाएं, बहते पानी में जा करके उस हल्दी को फेंक आएं, या किसी खाली जगह पे, किसी पार्क में, चाहे किसी पेड़ के पास थोड़ा सा गड्ढा खोदें, ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदें और उस हल्दी को वहाँ पे गाड़ें। यदि आप पानी में बहा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी के अंदर उसे गाड़ दें और वहाँ से चले आएँ, हाथ पैर धो करके अपने घर में प्रवेश करें। दूसरे दिन से ही आपके पार्टनर के ऊपर में बहुत ही अद्भुत असर होगा। असर तो रात में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। वो आपसे बात करना चाहेगी, आपसे मिलना चाहेगी, आपके वश में हो जाएगी, आपसे शादी करेगी। यदि कोई लड़की अगर लड़का के ऊपर में करती हैं तो वो लड़का आपके लिए पागल हो जाएगा, आपके साथ जीवन बिताना चाहेगा, आपको बहुत प्यार करेगा। बस मेरा आपसे निवेदन है कि इसका गलत प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सच्चे प्यार को पाने के लिए करें, मन से करें, आस्था और विश्वास के साथ करें, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इस वशीकरण को जब भी कीजिएगा तो गुप्त रखिएगा। इस वशीकरण के बारे में किसी को भी नहीं बताइएगा, तब आपका काम बहुत जल्दी होगा। यदि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप अपनी समस्या, अपनी परेशानी लिख के चाहे बोल करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, हमारे तरफ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारा बस एक ही नंबर है, 8444-0662। इसी नंबर पे अपनी समस्या, अपनी परेशानी लिख के चाहे बोल के भेजिए, हमारे तरफ से पूरी सहायता की जाएगी। हमारे यहाँ पे आपका
का सारा चीज गुप्त रखा जाता है, प्राइवेट रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो, अपनी परेशानी हमें डायरेक्ट बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और मेरे जितने भी पुराने भक्त हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि फ़ोन करने का समय सुबह 11 से 12 के बीच में है, तो आप सुबह 11 से 12 के बीच में डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, मिलकर अपना ख्याल रखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता रानी से निवेदन करूँगा कि आपके ऊपर मैं माता रानी का कृपा दृष्टि हमेशा बने रहे, आपके परिवार के ऊपर मैं बने रहे, आप हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें, सुखमय जीवन व्यतीत करें। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माता की मित्रों।